हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं पार्क में बच्चों को लेकर आई हूँ। एक्चुअली बड़े बेटे का बर्थडे है, तो उसे कुछ स्पेशल फील कराने के लिए मैं पार्क में ले आई। उसका बर्थडे वीकडेज में आ गया है, तो फिर वीकडेज में हम सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीकडेज में बाकी लोग जो भी आपके गेस्ट आते हैं वो थोड़ा कम्फर्टेबल नहीं फील करते हैं। बच्चों को नेक्स्ट डे स्कूल जाना होता है, ऑफिस वालों को ऑफिस जाना होता है। तो इस चक्कर में हमने प्लान किया कि हम आगे पोस्टपोन कर देंगे, वीकेंड में उसके बर्थडे को प्लान करेंगे। पर बर्थडे तो आज था, तो बेटे को लगा कि नहीं, हमें कहीं चलना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पार्क में चलते हैं, बच्चों को थोड़ा सा ब्रेक भी मिलेगा और बच्चों की एक्टिविटी हो जाएगी, सनलाइट मिल जाएगी और थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा और खुद को भी अच्छा फील होता है। मुझे तो ग्रीनरी देख के बहुत ही मज़ा आता है, मतलब अंदर से एक ना एक्साइटमेंट भी होती है, वो पीस भी मिलता है, सुकून जिसको कहते हैं वो सुकून मिलता है मुझे। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी थोड़ा सा इन्जॉयमेंट होगा। तो मैं पार्क में बच्चों को लेके आ गई, साथ में मेरी सिस्टर की बेटी भी आई हुई है और मेरे दोनों बेटे आए हुए हैं। उन लोगों की इन्जॉयमेंट ऐसे चल रही थी, मस्ती चल रही थी, एक दूसरे से थोड़ा सा नोकझोंक भी चल रहा था, पर बच्चों का तो हर जगह ऐसा चलता ही रहता है। थोड़ी देर खेलते हैं, फिर थोड़ी देर में लड़ाई होती है। और देखिए, मेरा छोटा बेटा भी अपने बड़े भाई को वॉच करता रहता है, उसे जो टॉय पसंद है वही छोटे वाले को भी पसंद है। वो मॉन्स्टर ट्रक, हॉट व्हील्स, डायनासोर उसे अच्छे लगते हैं, तो वो उनके टॉय से खेलता है और अपने टॉय को यूं ही फेंक देता है। तो मेरी नज़र इन फूलों पर पड़ गई और देखिए मधुमक्खी कैसे फूलों के रसों को ऐसे ऐसे सक करे जा रही है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है, तो मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर करूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और आपको देखोगे तो आपको बहुत बढ़िया लगे। और ये फ्लावर का कलर ना बहुत ही खूबसूरत है। और कुछ नेचर की कुछ छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने कैप्चर कर ली, जैसे गिलहरी को, एक गिलहरी देखी। जनरली आप आसपास अपने गिलहरी नहीं देखते होगे, लेकिन हाँ जब पार्क में जाते हो, ऐसी खुली जगह और ग्रीनरी वाली जगह जाते होगे तो आपको ज़रूर ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो ग्रीनरी के तो कुछ कह ही नहीं सकते, ग्रीनरी को देख के जो सुकून मिलता है वो उसकी बात ही अलग होती। आप व्यूवर्स में से बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जिनको देख के बहुत ही अच्छा और बहुत ही पीस भी मिलता होगा। और एक और मुझे नज़ारा दिखा, यहाँ तीन तीन मधुमक्खी एक फ्लावर से रस चूस रही थी। तो आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल है, मतलब नेचर ने क्या क्या क्रिएट करा है और इस नेचर में ही बहुत ही सुकून है। और मेरा बड़ा बेटा और छोटे बेटे दोनों देखिए गोगो से खेल रहे हैं। गोगो एक्चुअली जो भी राउंड शेप की चीज़ें होती है ना, मेरा छोटा बेटा उसको गोगो कहता है और बॉल से उसे फुटबॉल से बहुत प्यार है, तो बॉल खेलता है और उसे ब्लू कलर भी बहुत पसंद है। और ये देखिए थोड़ी देर में ये स्विच हो गए, ये अपने हॉट व्हील मॉन्स्टर ट्रक पर आ गए, यहाँ पे भी इनका स्लाइड चलना शुरू हो गया, स्लाइड कर रहे अपने मॉन्स्टर ट्रक्स को। तो इन्होंने फुल डे बहुत अच्छे से इंजॉय किया। हमारे लिए भी ब्रेक था कि मैं भी बैठ गई थी और वॉच कर रही थी इन लोगों को, तो मुझे भी सनलाइट मिल रही थी और ये इनका भी इनकी भी एक्टिविटी चल रही थी, अपना एक फिजिकल एक्टिविटी हो रही थी, ये खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, हाइड एंड सीक खेल रहे, कभी स्लाइड कर रहे, कभी दौड़ा भागी खेल रहे, तो बस इनके अपने मज़े थे और मेरे अपने मज़े थे। तो मैं सोच रही थी कि आज बर्थडे कैसे प्लान करूं, कैसे करूं, पर वो तो पोस्टपोन हो चुका था। तो फिर मेरे देवर छोटा देवर और उसका बेटा आने वाला था कि बच्चे को मशर को सरप्राइज़ दे देंगे आकर, तो वो लोग पार्क में आने वाले, उनकी कॉल आई थी कि वो लोग आने वाले हैं मिलने के लिए। और ये देखिए छोटे वाले साहब जी एकदम लगे हुए हैं, वॉक 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 चल रहा है, इधर उधर घूम रहे, बिल्कुल लाल टमाटर बने हुए हैं। तो अच्छा है, बच्चों की एक्टिविटी के लिए मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके पास जब भी टाइम मिले आप ज़रूर पार्क में बच्चों को लेकर। और ये देखिए मेरे उसका कज़न ब्रदर आ चुका है और ये देखिए पिज़्ज़ा पार्टी होने वाली है। ये हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि अब भाई के बर्थडे में हम पिज़्ज़ा पार्टी करने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, आज बर्थडे पार्टी में पिज़्ज़ा पार्टी पार्क में ही आप लोग कर लो, तो फिर पिज़्ज़ा खाएंगे और फिर उसके बाद हम घर को निकलेंगे। तो पास के शॉप से मैंने एक छोटा सा केक ले लिया था और बेटे को डोनट्स बहुत पसंद है, तो डोनट के लिए ना बहुत अट्रैक्ट है, वो खाने में उसको नहीं पसंद है, बस उसको देख के उसके शेप को उसके डेकोरेशन को देख के बहुत अट्रैक्ट होता है। और पिज़्ज़ा एक बचा हुआ था तो वो भी हम ले आए घर पे, तो ये बच्चों ने मिल के केक काटा और इनकी मस्ती चलती रही। Happy birthday!
बच्चों के असली एंजॉयमेंट बच्चों के साथ ही होती है, बच्चों को बच्चों के साथ ही मज़ा आता है। तो बस ये फेज ही अपना है जिसमें कोई फिक्र नहीं, गम नहीं, बस खुशियाँ ही खुशियाँ, एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट होती है। और हम हमारा फर्ज देखते हैं इस एंजॉयमेंट को और ब्यूटीफुल बनाए। फिर चला थोड़ा म्यूज़िक चला दें, बच्चे थोड़ा डांस कर ले, तो आइए देखते हैं। आगे बेटा मेरा स्पाइडरमैन का फैन है, तो उस गाने पे ये परफॉर्म करने वाला, तो चलिए देखिए और एंजॉय करिए आप भी। चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और जब हम वीकेंड में सेलिब्रेशन प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।